देखिए, डेट एंड टाइम में जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम डेट एंड टाइम में यूज करते हैं, जैसे ये हमारे पास डेट आई है, तो डेट को अगर आप जनरल फॉर्मेट में करते हैं तो 41879 इस तरह से कुछ नंबर आ रहे हैं, है जी। तो ये मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको बताया था कि फॉर्मेट्स का होता है। बाकी आप ये देख रहे होंगे कि मैं कीबोर्ड से फटाफट से इसको कर देता हूँ। ये फॉर्मेट का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट दबा के, जो एबीसी के ऊपर न्यूमेरिक्स होते हैं ना, तो पहला वाला बटन दबाएंगे जब आप टिल्ड का, ठीक है जी, तो जनरल फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो नंबर फॉर्मेट हो जाता है, 2 दबाएंगे तो टाइम फॉर्मेट, 3 दबाएंगे तो डेट फॉर्मेट, 4 दबाएंगे करेंसी, 5 दबाएंगे परसेंटेज, 6 दबाएंगे साइंटिफिक, बस यहीं तक चलता है, ठीक है जी। तो आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, डेट के फंक्शन सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे मैंने कोई डेट डाली है, अब डेट को अलग अलग करना है, इसमें से डे निकालना है मैंने, और क्या मंथ एंड ईयर, इनको अलग अलग निकालना है। तो डे के लिए डे का फॉर्मूला, ठीक है जी, मंथ के लिए मंथ का फॉर्मूला, और ईयर के लिए ईयर का फॉर्मूला। ये ईयर का फॉर्मूला है, ठीक है जी। बाकी वापस कंबाइंड करना है तो आपके पास है डेट का फॉर्मूला। तो इसमें पहली एंट्री लेता है ईयर, दूसरी लेता है मंथ, तीसरी लेता है डे, ठीक है जी। तो वापस आ जाता है। अब आपके कहता हूं कि मैं इसमें कुछ प्लस करना है, मैंने मान लीजिए एक दिन प्लस करना है, तो सिंपल सी बात है, इस डेट में आप डेट में तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते कर ही सकते हैं, क्योंकि वो नंबर कुछ दिखाता है, एक प्लस करेंगे तो नंबर बढ़ेगा तो डेट आपकी बढ़ेगी, तो जो भी आप डालना चाहें वो आपको बढ़ा के दिखाएगा, ठीक है जी। पर अब अगर मैं कहता हूँ कि मंथ आपको ऐड करना है, तो आपके पास इसमें है ई डेट का फॉर्मूला, ठीक है जी। मान लीजिए 2 महीने ऐड करने हैं, तो ई डेट का फॉर्मूला है जिसमें हम मंथ एडिशन करते हैं, तो इसमें डेट देते हैं और मंथ दे देते हैं कि 2 महीने जोड़ने, तो आपको जोड़ के दे देता है, ठीक है जी। इसको आप ईयर जोड़ने में भी कर सकते हैं, क्योंकि मंथ ही ट्रिकी होते हैं। ईयर अगर आपने जोड़ने हैं, मान लीजिए आपको जोड़ने हैं 2 साल जोड़ने हैं इसमें, ठीक है जी, तो क्या कर सकते हैं, ई डेट में जहां मंथ डालते हैं वहां मल्टीप्लाइड बाय 12 करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने बताया डे कैसे जोड़ना है, मंथ कैसे जोड़ना है, ईयर कैसे जोड़ना है। अब मान लीजिए कि ये डे 10 दिन 2 महीने और 2 साल जोड़ने हैं डेट में, इकट्ठा कैसे जोड़ेंगे, वापस डेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। अब यहां जो हमने ईयर निकाला था उसमें क्या कर देते हैं, प्लस ये वाली डेट, ठीक है जी। मंथ निकाला था ये रहा, प्लस ये वाला, और डे निकाला था यहां से प्लस ये, तो सारी की सारी डेट मंथ और डे मंथ और ईयर मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है जी। देन आपका टाइम की बात करते हैं, टाइम में भी यही सब होता है आपका। टाइम में जाने से पहले एक चीज देखते हैं, जैसे नेटवर्क डेज होता है आपका। आप किसी सरकारी ऑफिस में गए और वहां पे किसी ने आपको कहा कि भैया 20 वर्किंग डे के बाद आना, ठीक है जी। अब 20 वर्किंग डे, मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी होती है, या बीच में और कोई सरकारी छुट्टी हो जाती है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है फॉर्मूला नेटवर्क डेज का, ठीक है, नहीं नेटवर्क डेज नहीं, वर्क डेज का, वर्क डे का, ठीक है जी। वर्क डे मैं क्या करूंगा, स्टार्ट डेट डाली, डेज कितने दिन बोला, 20 दिन बाद आना है, ठीक है जी। सैटरडे संडे इसमें स्किप करेगा ये अपने आप। अगर आपके पास कोई हॉलीडे लिस्ट है डेट की तो वो भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई डेट है वो आप दे देंगे, ठीक है जी। ये आपको रिजल्ट दिखा देगा कि
ये डेट है। मान लीजिए मेरा जो है 30 अगस्त की छुट्टी है, तो मैंने ये रेंज ली थी, तो ये यहाँ चेंज कर लेगा। अब दिखा रहा है 25 सितंबर पड़ेगी डेट, ठीक है जी। इसी तरह से बात होती है कि किसी डेट के बीच में आपको निकालना है कि कितने वर्किंग डे हैं, जैसे इससे और इसके बीच में निकालना है कितने वर्किंग डे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं नेटवर्क डे। वहां पे वर्क डे, यहाँ नेटवर्क डे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इसी तरह से इसमें हॉलीडेज भी लेते दे देते हैं। सैटरडे संडे स्किप होता है, ठीक है जी, सैटरडे संडे अपने आप स्किप कर देता है, एंड डेट नहीं ली इसमें, ठीक है जी। बता रहा है 21, 21 क्यों बता रहा है, यहाँ हमने 20 में कर दिया था, यहाँ 21 में। क्या होता है ना कि एक होता है, हम कहते हैं 20 दिन बाद आना, तो 20 अगले दिन ले लेता है। हम कहते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितने हैं, तो एक डेट इस पैटर्न में स्किप हो जाती है, इसलिए ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है जी। बाकी इसके बाद और देख लेते हैं डेट में कोई और फंक्शन हो तो। देन हमारे पास डेट से रिलेटेड एक फंक्शन आता है सरकारी कामों में, जैसे हमें कई बार फॉर्म भरने होते हैं और वहां ये देना होता है कि हम इतने दिन इतने इतने महीने और इतने ईयर के हो गए, ठीक है जी। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ ये है, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो हम कहते हैं कि 1 अगस्त 14 को कितनी डेट के हो गए, कितने दिन के हो गए, कितने महीने के हो गए। तो सबसे पहले निकालते हैं ईयर, ठीक है जी। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डेटेड इफ। ये फॉर्मूले का कोई आपके सामने आता नहीं है, पर जब आप पूरा टाइप करेंगे थोड़ा सा आता है, इसकी कहीं भी डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसमें कैसे देना है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इन्वर्टेड कॉमास में आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स देने हैं। तो ईयर के लिए क्या करेंगे, वाई, ठीक है जी। तो 28 साल ईयर के लिए, वाई 28 साल, सेम पैरामीटर। अब मंथ के लिए डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इसमें क्या देंगे, अगर एम देते हैं हम, तो क्या होता है ये, तब से लेकर अब तक के, इस डेट से लेकर के इस डेट तक के बीच के जितने मंथ थे इसने दिखा दिए। पर हमें चाहिए कि ये 28 साल पूरे होने के बाद कितने महीने हुए, तो हमारे पास वाई एम यूज करना है। वाई एम का मतलब है ईयर आफ्टर मंथ, मतलब आफ्टर ईयर के बाद कितने मंथ हो गए, ठीक है जी। तो 10 महीने हो गए, वाई एम का फॉर्मेट याद रखें। इसी तरह से हमारे पास डेज का है डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, देन इसमें कर देते हैं हम डे के लिए क्या डालेंगे, डी, ठीक है जी। पर डी में क्या होगा, सारे दिन दिखा देगा टोटल। और हमें क्या चाहिए, मंथ के बाद, मंथ महीना खत्म होने के बाद कितने हो गए, तो हम क्या डालेंगे, एम डी, मंथ आफ्टर डे, तो ये दिखा रहा है। लेट सपोज हमने क्या क्या किया कि चलो साल तो कंप्लीट हुए, साल के बाद कितने दिन हुए, मंथ स्किप कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, वाई डी, ठीक है जी। 28 साल 131 दिन, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। बट अब ये एक्सेल के हेल्प में तो अवेलेबल है नहीं, तो इसकी हेल्प कहाँ मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास अपनी, मैंने एक साइट बताई थी टेक ऑन द नेट, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ
एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल फंक्शंस में WS कैटेगरी, देन आप इसमें आ जाएंगे डेट टाइम के जो फॉर्मूले होंगे, डेट टाइम फंक्शंस, इसमें आपका हो गया DATEDIF। ठीक है जी, तो DATEDIF में ये पैरामीटर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वाई का MD, YM, YD। ठीक है जी, कैसे लगा हुआ है ये आपको भी दिख जाएगा, इसमें पैरामीटर कैसे देने। ठीक है जी, तो ये एक रेफरेंस हो जाएगा आपके लिए। देन इसमें बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि नेटवर्क डेज के बारे में दिखाया, आप कहेंगे कि हर जगह सैटरडे संडे थोड़ी ऑफ रहता है, कैसे पता पड़ेगा? तो 2007 तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वर्क डे और नेटवर्क डे में, पर जब 2013 आया या 10 आया तो उसमें एक फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। जो ये कर सकता था, जो नेटवर्क डे है, हमारे पास एक और फंक्शन आ गया नेटवर्क डे डॉट इंटरनेशनल, तो इसमें हम स्टार्ट डेट एंड डेट के बाद वीकेंड चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी ये दे देता हूँ ऐसे पैरामीटर, तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि एक देंगे तो सैटरडे संडे होगा, दो देंगे तो संडे मंडे होगा। मान लीजिए हमारा इंडिया में संडे ओनली है, तो संडे ओनली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसका कोड डाल देगा यहाँ पे। ठीक है जी, 11 कोड है। तो इस तरह से नेटवर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल भी आपके पास है, INTL करके आता है 2010 से अपर वर्जन में। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट आ जाती है। 11 संडे ओनली के लिए था, तो यहां से उसके बाद कॉमा करके लिस्ट ऑफ हॉलीडेज भी दे सकते हैं। तो ये फंक्शन आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें 2013 में। देन अब बात करते हैं टाइम की, डेट से रिलेटेड मेरे ख्याल से सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई होंगी, डेट में इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। ठीक है जी, टाइम की बात करते हैं। एक हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट वैल्यू, जैसे यहाँ डेट है तो डेट वैल्यू। डेट वैल्यू क्या करता है, टेक्स्ट में किसी डेट की वैल्यू बताता है। मतलब डेट वैल्यू यूज करूंगा तो इन्वर्टेड कॉमास में जब मैं डेट दे दूंगा तो ये उसका न्यूमेरिकल पोजीशन जो होती है ना इसकी, वो दे देगा। ठीक है जी, टेक्स्ट में तो डेट वैल्यू ये काम करता है। देन आप बात करते हैं टाइम की, तो टाइम में हमारे पास क्या होता है, आवर, मिनट, सेकंड। ठीक है जी, टाइम यूज किया मैंने, कोई तो टाइम डाला, तो इसमें से आवर निकालने हो तो कैसे करेंगे, आवर का फंक्शन है। ठीक है जी, मिनट निकालने हो तो मिनट का फंक्शन है, सेकंड निकालने हो तो सेकंड का फंक्शन है। ठीक है जी, वापस कंबाइंड करना हो तो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो टाइम में पहले क्या लेता है, आवर, देन मिनट, देन सेकंड। तो अगर टाइम में अगर आपको कुछ जोड़ना हो इसमें कि एक घंटा जोड़ दे, 2 मिनट जोड़ दे और 30 सेकंड जोड़ दे। ठीक है जी, तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला लगा के, ये आवर प्लस आवर, मिनट प्लस मिनट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट आपको दिखा देगा यहाँ पे। अब ये तो रही फॉर्मूले की बात, जनरली आप कैसे करेंगे। ठीक है जी, अगर इसकी न्यूमेरिकल पोजीशन देखें तो क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कुछ डेसिमल में वैल्यू है, ठीक है जी। यहाँ वन होता तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है 24 घंटे के बाद, तो यानी कि एक घंटे के लिए क्या होता है, एक घंटे के लिए क्या होता है, जैसे अगर मुझे एक घंटा जोड़ना हो किसी टाइम में तो मैं क्या करूंगा, ये टाइम पकड़ा मैंने और इसमें प्लस क्या करूंगा मैं, एक डिवाइडेड बाय 24, 24 से भाग दे दूंगा जितने घंटे जोड़ने, अगर दो जोड़ने दो डिवाइडेड बाय 24, ठीक है जी। तो मेरे पास न्यूमेरिकल एक वो आया, मैं इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो एक घंटा जुड़ गया सीधे सीधे इसमें। अब बात करता हूँ कि मुझे 2 मिनट जोड़ने हैं, ठीक है जी। अब मिनट जोड़ने हैं तो और डीपली जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 24 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ठीक है जी, और दो से यानी 2 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 60। अब क्या जोड़ा है इसने, 2 मिनट जोड़ दिए। इसी तरह से सेकंड जोड़ने हैं तो देन मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है जी। सेकंड वाला फॉर्मेट कर देता हूं मैं इसका, ताकि ये दिखाए, ठीक है। तो 2 मिनट जुड़ के आ गए। तो ये इसका हार्डकोर मेथड है कि जिस तरह से हम विदाउट किसी फॉर्मूला के टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, समझने के लिए है बिल्कुल। बाकी और देखते हैं, तो टाइम में अगर जैसे आपको कैलकुलेट करना है कभी कि ओवर टाइम निकालना है, ठीक है जी, टाइम स्टैम्प में से थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं कि जैसे इन टाइम आउट टाइम, कैलकुलेशन तो मैंने बता ही दी है कि आप कैसे करेंगे। तो इन टाइम जैसे मैंने बोला कि मैं आया 8:55 AM, ठीक है जी, निकला 9:15 PM, ठीक है जी, फिर मैं आया, कोई और आया 9:10 AM, वो निकला 10:10 PM, ठीक है जी। मैंने क्या निकालना है इसमें, 8 घंटे के बाद हर घंटे के मुझे उसे देने हैं 500 रुपए देने, तो ओवर टाइम निकालना है। तो पहले 8 घंटे के बाद के घंटे निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालूंगा उसको, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये ग्रेटर में से लेसर माइनस कर लूंगा और इसको जनरल टाइम फॉर्मेट में ले आऊंगा, एएम पीएम वाले में लाऊंगा तो कंफ्यूज करेगा ये, विदाउट एएम पीएम वाले फॉर्मेट में ले आऊंगा, ठीक है जी। तो कितने टाइम ड्यूटी करी, 12 घंटे 20 मिनट, यहां 13 घंटे। अब मुझे क्या करना है इसमें, माइनस कर रहे हैं 8 घंटे, आठ घंटे माइनस करने हैं, तो घंटे माइनस घंटे के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 24, ठीक है जी, तो 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है जी, 4 घंटे 20 मिनट पूरे हो रहे हैं। तो क्या करना है, सीधे सीधे आर निकाल लीजिए, क्यों वो करना, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा 500 के साथ, आ गया जी। अब चाहे तो इसको कंबाइन कर लीजिए इस फॉर्मूले को, लॉजिक क्लियर होना चाहिए तोड़ तोड़ के। अब एक फॉर्मूले में मुझे देना है सारा,
मैं देख रहा हूँ यहाँ से ये माइनस हुआ है, इसमें मैंने क्या क्या यूज किया है, ये किया है ठीक है जी। यहाँ से और यहाँ आवर का फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे मैंने ये किया। तो सबसे पहला लिंक जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो इसमें क्या करूंगा, यहाँ से इक्वल टू से पहले कॉपी करूंगा, अगले वाले में जाऊंगा, D18 जाए, इसको ब्रैकेट में दे देता हूँ ठीक है, यहाँ दे दिया, ये डायरेक्ट हो गया फॉर्मूला। देन क्या हुआ है, इसके अंदर E18 के अंदर पूरा यूज हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर का पूरा फॉर्मूला उठा के यहाँ डाल दूंगा E18 की जगह, यहाँ डाल दिया। देन क्या करूंगा, इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ R से उठा लूंगा, इधर चला जाऊंगा और F18 से पहले डाल दें, पूरा फॉर्मूला बन गया। देन कंट्रोल एक्स करके मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ ठीक है जी, बाकी किसी की जरूरत नहीं। तो देखिए अगर कभी टाइम चेंज होता है, मान लीजिए चला गया 8:10 पे चला गया, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा ठीक है जी। तो इस तरह से आप टाइम के फॉर्मूले वगैरह कर सकते हैं ठीक है जी, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी डेट में से दो चार फॉर्मूले और होते हैं डेट के, वीक डे, कौन सा वीक डे पड़ेगा, 5 28 अगस्त 14 को पांचवा नंबर बता रहा है, 28 अगस्त 14 को पांचवा, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, संडे से स्टार्ट कर रहा है ये काउंटिंग, 5 नंबर का मतलब है थर्सडे वीक डे ठीक है जी। इसमें एक्चुअली वीक डे जो है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर लेता है, रिटर्न टाइप और पूछ रहा है इसमें, अगर आपको रिटर्न टाइप यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या होना चाहिए, ये सैटरडे संडे का ही पैटर्न है, चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ वीक डे का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर आप 1 डालते हैं, ये रिटर्न वैल्यू जो दूसरा है उसमें, तो क्या करता है, 1 को संडे लेता है और 7 को सैटरडे लेता है, संडे से काउंटिंग ठीक है। जब आप 2 डालते हैं तो क्या मंडे से स्टार्ट करता है, 1 को मंडे लेगा 7 को संडे लेगा ठीक है जी। 3 डालेंगे तो काउंटिंग तो वही रहेगी, पर ये 0 से ले लेगा, 0 मंडे दिखाएगा, फिर 1 ट्यूसडे और 6 तक, 0 से 6 पे चलेगा, 0 पे मंडे ठीक है जी। तो ये थे आपके डेट टाइम के फॉर्मूले जिसको आप कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करें अलग अलग क्वेरी के जरिए ठीक है जी। बाकी विनय जी तो पहुंचे नहीं, तो हमारा डेट टाइम का फॉर्मूला जो है कंप्लीट है। बाकी आपको थोड़े से एडवांस फॉर्मूले जैसे सर्च करने हैं ठीक है जी, अब नेट को भी थोड़ा यूज करना सीखिए ठीक है जी। जैसे आप कहेंगे कि किसी डेट में सेकंड सैटरडे कब आता है, कैसे पता पड़ेगा ठीक है जी, ये क्वेरी है, कोई कैलेंडर है मेरा, सेकंड सैटरडे नहीं पता लगेगा, तो सेकंड सैटरडे फॉर्मूला आपके सामने यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे फॉर्मूले आपके बने बनाए आ जाएंगे,
कई फॉर्मूले आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, पर ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी मैं बता दूंगा आपको कि ये हुआ कैसे है। एक बार आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो कोई सी लगा देता हूँ सारे रेफरेंस। इसमें मुझे क्या दे रहा है, ये इस डेट में सेकंड सैटरडे दे रहा है, 9 तारीख को है ना। कैसे दे रहा है, देखिए वही डेट का फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें। ईयर मंथ तक तो समझ में आता है, पर ये जो डे में इसने काम किया है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है जी, डे में वीक डे में 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन ये वीक डे में क्या निकाला है इसने, 1 का वीक डे निकाला है। ठीक है जी, इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार नेट पे सर्च करके, नहीं हुआ तब मैं बताऊंगा आपको। बाकी विनय जी को कर देता हूँ मैं, विनय जी आज